ओं निराचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमो निराद्रु शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्तं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्राय वाम भागे रथचरण युक्तं ब्रह्म रुद्रेन्द्रवंदं वेदानां सारमिशं सजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्परामी। नमस्कार जगन्नाथ प्रेमी दर्शक वृंद, आज आम आलोचना करवा आम श्रीमंदिर जो जगन्नाथ जो श्रीक्षेत्र कोईली वैकुंठ कौन ये जो कोईली वैकुंठ यार यही नामकरण कहीं जो कोईली वैकुंठर महात्मा कौन रही जो कोईली वैकुंठर अवस्थित के स्थान रही से संपर्क में आम विस्तृत भाव आलोचना करवा। जगन्नाथ मंदिर जो उत्तर द्वार रे गोटे स्थान रही जो नीलाद्री विहार एक पुरातन स्थान जो स्थान ताकू कह जाए कोईली वैकुंठ। एवं ये जो कोईली वैकुंठर महात्मा हूँ कौन ना एठारे भगवान श्रीकृष्ण तांकर प्रेयसी श्रीराधा को से कोईली रूप से दर्शन देते कोईली रूप से निकट में आविर्भूत होते आतक मत दिखती जे माँ महालक्ष्मी तो श्रीमंदिर अवस्थित अच्छा से जगन्नाथ से जो महालक्ष्मी को ताकु आश्चर्य करने से कोईली रूप से एक वृक्ष उपरे बसी से राब देते कोईलीर जो कोकिल कंठ से गान करुले यही समय महालक्ष्मी से जो तांकर जो उद्यान मध्य बुलूवा समय से जो कोईली को देखिले जो कोईलीर स्वन कोईलीर जो मधुर स्वन शुणी से माँ लक्ष्मी से अत्यंत मोहित हो गले एवं से कोईली को पाखक डाकिले तापरे से कोईली पाखक आसवा पर जो माँ महालक्ष्मी से अत्यंत प्रीत होगा से कौन कले ना निजर से एक गजमती हारटी को बेकरु काढ़ी से कोईलीर गलार जो लंबे देले सांगे सांगे से कोईली से जगन्नाथ महाप्रभु रूप परिग्रह कले ए महालक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते से जो कोईली वैकुंठ से जो तार नामकरण जो कोईली वैकुंठ से स्थान नामकरण से दिन ठारु कोईली वैकुंठ होता कहुए श्रीमंदिर यह कहुए देव निर्माण भूमि ये जो कोईली वैकुंठ को देव निर्माण भूमि कहुए कारण एठारे जो सियाली लतारे एठारे जो रही आज पर्यंत रही जो सियाली लता से जो सियाली लतारे महाप्रभु भगवान श्रीकृष्ण से दोड़ी झुलुले सियाली लतारे दोड़ी झुलुले जिते दापर युगर शेष समय से भगवान श्रीकृष्ण तांकर जो यादव वंश मान को निपात करिवा परे से कोकुआ भय सृष्टि करथले तापर कंदल रे व्यापृत होई जो तांकर यादव वंश मान से माने निपात हेबा परे भगवान श्रीकृष्ण से कण करथले ना सियाली लतारे दोड़ी झुलितले एवं ए जो सियाली लतारे जो दोड़ी झुलिबा अवस्था रे जारासवर सेठारे आसी से तांकर पाद को से मृगर कर्ण भावी सरविद्ध करथले एवं सेठारे भगवान श्रीकृष्ण तांकर जो मानवीय लीला संवरण करथले एवं पांडव माने तांकर शरीर को दाह करथिले एवं दाह करबा परे मत तांकर जो मझी अंशटी पोड़ी नथिला एवं ताकु समुद्र रे निक्षेप कर देथिले तेलो सेइटारे होउची जो भगवान श्रीकृष्ण से जो सियाली लता मूल रे तांकर जो शरीर त्याग करथिले तेलो सेइटाकु कहा जाय देव निर्माण भूमि कहा जाय एवं ता इबे मध्य एक सियाली लता मध्य सेइटारे इबे विद्यमान रहिची एवं तापरे यार विशेष आकर्षण होउची कळ ना एठारे कळ रहिची नवकळेवार समय रे नवकलवार समय रे जो दारू मानकर जो नूतन विग्रह तैयारी करे तापरे तांकर जो जीर्ण बा पुरातन विग्रह को कण करा जाए ना ये जो कोईली वैकुंठ यही स्थान रे ताकु समाधि दिया जाए बा पोति दिया जाए तेणु यह हूँ विशेष आकर्षणीय स्थान तेणु जगन्नाथंकर श्मशान भाव में कहा जाए यही जो जगन्नाथंकर श्मशान यहाँ देखापी भक्त मानक अति उत्कंठा जात हुए तापरे कोईली शब्दर आ गोटे अर्थ हूँ कौन ना मंदिर मंदिर को मैंने कोईली शब्दर अर्थ हूँ मंदिर तेणु ये जो मंदिर कि मंदिर ना वैकुंठ मंदिर मान कोईली वैकुंठ ता सहित कोईली सहित वैकुंठ सहित शब्द जोड़ा जाए वैकुंठर अर्थ कौन ना गोलक गोलक हूँ कौन ना भगवान विष्णु जो निवास स्थल से होती गोलक तेणु जो स्थान भगवान विष्णु निवास स्थान वैकुंठ तेणु से स्थान को कोईली वैकुंठ कहुआ यथार्थ तेणु ये हूँ वैकुंठ सामान वैकुंठ सहित सामान तेणु ये हूँ गुप्त मानने गुप्त वैकुंठ।
ବା ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁପ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ଭାବରେ ଏହାକୁ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ମନ୍ଦିରର ଆମର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ସଂରକ୍ଷିତ ଏକ ଗୁଳ୍ମ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ସ୍ଥାନ ବା ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ନବକଳିବର ସମୟରେ ତ ମୁଁ କହିଲି ଏଠାରେ ତାଙ୍କର ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଦେହ ଏଠାରେ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଶ୍ମଶାନକୁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁରୀରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନ ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଗକୁ ବାଟ ବା ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକକୁ ବାଟ ଯେଉଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା କିନ୍ତୁ ଆମର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ବୋଲି କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ବା ଦେବଦେବୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଏ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏକ ଭାବାନ୍ତର ସୃଷ୍ଟି କରେ ତେଣୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଗୋପନୀୟ ରଖାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଏ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନକୁ ଏକ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ରଖାଯାଏ କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବା ଦେବତାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ ବା ମୃତ୍ୟୁକୁ ମଣିଷମାନେ ସହଜରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ଭାବାନ୍ତର ଜାତ ହୁଏ ତେଣୁ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ମର୍ତ୍ତର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କର ବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ଏହିଭଳି ଯେଉଁ ଭାବାନ୍ତର କାରଣରୁ ସେହି ସ୍ଥାନଟିକୁ ଯେଉଁ ସମାଧି ଦିଆଯିବା ସ୍ଥାନକୁ ଗୋପନ ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ଯେଉଁ ଇଏ ହେଉଛି ବିଶେଷ ଗୁପ୍ତ ସ୍ଥାନ ଏବଂ ଏହାକୁ ମର୍ତ୍ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଇଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ କୁହାଯିବାର ଯଥାର୍ଥତ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ରହିଛି ଯେ କୋଇଲି ରୂପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସେ ରାଧାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୋଇଲି ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଠାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେଉଁ ଶିଆଳି ଲତାରେ ସେ ଦୋଳି ଝୁଲିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଜାରାସବରର ସରାଘାତରେ ସେ ଏଇଠାରେ ତାଙ୍କର ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ତେଣୁ ଆଶା କରେ ଏହି ଆଲୋଚନାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି ଓଂ ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ ତେ ନମଃ।